ने आपको महिंदा गढ़वाली सीट से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? जहां तक आज मैं अपनी बात करूं, मैं तो पहले भी इस पार्टी से, इस परिवार से, मेरा एक परिवार है और जिस प्रकार से मेरे को नुमाइंदा बनाया, इसका मैं बड़े अपने आप में ये महसूस करता हूँ। और मैं नहीं, मेरे पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी इससे बड़े ही उत्साहित होकर के जिस प्रकार का कल जश्न मना रहे थे, उसको लेकर के मैं कह सकता हूँ कि आने वाला टाइम आपका होगा, जिला महेंद्रगढ़ भिवानी और दादरी का ये अब की बार इन पार्टी ने मौका दिया है और अब की बार आप जीतने का काम करेंगे, जीतेंगे तकरीबन 4,20,000 वोटों से जीत होगी। सर, जैसे कि पिछले 10 साल सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कोई काम किए हैं या नहीं किए, जनता में उनके प्रति थोड़ा सा रोष दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहना? उस पर मैं धर्मवीर जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो जनता ही बताने का काम करेगी, उनने कितना अच्छा किया या कितना नहीं किया वो तो पब्लिक बताने का। सर, कांग्रेस पार्टी अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। कांग्रेस पार्टी आज तो चुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी पिछले 20-25 साल से जिस प्रकार से पिछड़ रही है उसको लेकर के और पार्टियां भी चिंतित है क्योंकि एक बहुत पुरानी पार्टी थी और आज अपने आप में वो फैसला नहीं ले रही। आज कोई नई बात नहीं है, आज 10 साल से कांग्रेस पार्टी अपना जिला प्रधान नहीं बना पाई, हल्का प्रधान नहीं बना पाई, जबकि एक बीजेपी पार्टी जिस प्रकार से अब काम कर रही है, पन्ना प्रमुख तक लोगों ने अपने साथियों को बढ़ाने का काम किया, मजबूत करने का काम कर, एक सबसे तगड़ी पार्टी आज हमारी पार्टी है। जेजेपी पार्टी 5.5 साल से बड़ी और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की बात करें और चाहे जिला सत्र की बात करें चाहे ब्लॉक सत्र की बात करें, जिस प्रकार से दुष्यंत एक नौजवान साथी ने जिस प्रकार का काम किया है उसको लेकर के कह सकता हूँ हरियाणा में अगर पार्टी है तो एक ही है, जेजेपी पार्टी। थैंक यू। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।